उधर सिद्धार्थनगर में 3 दिवसीय चल रहे कपिलवस्तु महोत्सव में सांसद हेमा मालिनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद उनका इस जनपद में पहला कार्यक्रम है और वो यहाँ आकर काफी खुश महसूस कर रही है। उन्होंने इसके लिए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल का भी आभार व्यक्त किया है। हेमा मालिनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से ममता की सरकार से जनता परेशान हो चुकी है और बदलाव जनता चाहती है। तो कपिल वस्तु महोत्सव में हेमा मालिनी पहुंची है। कई बार आई हूं, कभी नाम तो सुना था लेकिन आना हुआ अभी। बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड मैं जगदम्बिका पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, उन्होंने मुझे बुलाया इधर। तो जब बोला कि यहाँ आपको शो करने के लिए आना, तो मैं थोड़ा सोच रही थी कैसे करेंगे, स्पेशली जब कोरोना की वजह से। और ये सरप्राइजिंग ये बात है कि लॉकडाउन से पहले बौद्ध गया में मेरा शो हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हो गया बौद्ध गया में अभी पिछले फरवरी में, और अभी लॉकडाउन के बाद ये पहला शो है यहाँ सिद्धार्थनगर से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों गौतम बुद्धा की जगह है। तो कल हमारे शो है दुर्गा बैले कर रही हूँ, मेरा बहुत सारे बैले हैं। तो हमने बताया कि जगदम्बिका जी से कि आपको कौन सा चाहिए, तो उन्होंने दुर्गा ही सेलेक्ट किया। तो आई एम परफॉर्मिंग दैट एंड हमारे बहुत अच्छे कोलीग हैं जगदम्बिका जी, पार्लियामेंट में काफ़ी हम लोग मिलते हैं और हमारे अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का भी चेयरमैन हैं, तो हमारी काफ़ी अच्छा मुलाकात होती रहती है और बहुत सारे हम लोग काम करते हैं साथ में। मैडम आप चूँकि सांसद